सो यहाँ से लेते हैं यू टर्न। तो गाइस आपके दीयल प्राइडर चंडीगढ़ के सड़कों पे मोटो ब्लॉग करते हुए आ गए हम फिर से मटका चौक में। स्लो स्लो चलेंगे, ज़्यादा भगाएंगे नहीं बाइक को, बिकॉज आजकल मेरी बाइक बहुत भाग रही है क्योंकि मैं भगा रहा हूँ। मौसम कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो रहा है आज, में कुछ देखने को मिल नहीं रहा वैसे आज। I don't know why reaction। क्या बात है भाई, ऐसे क्या देख रहे हो यार, पब्लिक जो है ना बड़े मस्त रिएक्शन देते हैं कई बार। सो अभी आ चुका हूँ मैं 16 सेक्टर में। वैसे यार चंडीगढ़ बहुत ही छोटा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना भी नहीं पर छोटा यार ये। कल है दशहरा, देखते हैं क्या प्लान बनता है। वैसे मैं जाऊंगा नहीं जहाँ पे रावण जलते हैं, मुश्किल लग रहा है मेरे को। जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले वाले व्लॉग में कि हाँ हमारा फेस्टिवल होता है तो मैं वहाँ पे बिज़ी होऊंगा, बाकी उसके बाद मन किया जाने का तो देखते हैं, वो कल ही पता चलेगा। अभी तो कोई प्लान नहीं है वैसे जाने का। और बाइक की सर्विस भी करवाने वाली हो गई है, टाइम आ चुका है सर्विस का। इसी मंथ में सर्विस करवानी है, सेकंड सर्विस होगी बाइक की। और बाइक मेरी चल चुकी है, कितनी चल गई है, 3407 किलोमीटर मेरी बाइक चल चुकी है अभी। ओके सो गाइस अभी मैं घर से निकल चुका हूँ चेंज करके, समझ नहीं आता कहाँ पे जाऊँ, बट फिर सोचा कि चलो धनास के साइड जाके आता हूँ, वहाँ पे रावण का क्या बना। वैसे हुआ तो कुछ नहीं, मैं भी वहाँ के जो साइड में जो बैरिकेड से लगे थे वो हटा दिए होंगे, और इस बार लोग जा रहे हैं अंदर। वैसे अंदर से भी वही हुआ है जो बाहर से देखना था, तो सोचा कि चलो देख के आ जाता हूँ। तो बस अभी जा रहा हूँ धनास के साइड, फिर देखते हैं इसको, मतलब रावण को, देन इस ब्लॉग को फिर करते हैं एंड। एंड गाइस मैं जैसे कि मैं बातें कर रहा हूँ आपसे चलते चलते यार, ऐसे में ना विंडोज ना बहुत आ रही है, मैंने एडिटिंग में देखा था करते हुए बहुत विंडोज आ रही थी। मैंने ट्राई भी किया कि इस विंडोज को मैं थोड़ा बहुत कम कर पाऊँ, बट हुआ नहीं, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। ज़्यादा क्राउड हुआ तो मे बी रिएक्शन मिल जाए कुछ ना कुछ। वाह भाई यहाँ की सड़कें यार खतरनाक एकदम, ट्रैफिक जाम लग चुका है धनास की सड़कों पे। नॉर्मल है, चलता है इतना। स्कूल्स की छुट्टी हो चुकी है तभी ट्रैफिक लगा हुआ थोड़ा सा। क्या रिएक्शन मिल रही है मेरे को, बैरिकेड लग चुके हैं यहाँ पे। मैं भी अभी अंदर तो नहीं जाने दे रहे, पता नहीं क्या सीन है इनका, बट यहाँ पे जो है ना क्राउड बहुत है, मतलब देखने के लिए अभी से ही इतना क्राउड रखा है। और ये अभी से नहीं, जब से रावण यहाँ पे बन रहा है मैं भी तब से ही यहाँ पे इतना क्राउड है, और बैरिकेड यहाँ पे लगा चुके हैं पूरे। जब मैं उस दिन आया था तो ये बैरिकेड नहीं लगाए थे, अब लगा दिए हैं। सो पीछे का कुछ सीन ऐसा है रावण का, होप कि आपको दिख रहा हो रावण,
पीछे से आया था सीन, बाकी आगे से तो आपने नेक्स्ट व्लॉग में देख ही लिया था। एंड गाइस, अगर आप भी यार राइड करते हो ना, अगर आप भी हमारी तरह हो तो यार हेलमेट हमेशा पहना करो एंड अपने जितने भी सेफ्टी गियर्स हो सकते हैं पहन लिया करो। कुछ नहीं होता यार, सेफ्टी जब जरूरी है। हेलमेट पहनने से बालों का तो खैर कुछ नहीं होगा, बस बैठ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कम से कम आपकी लाइफ को तो बचा सकता है ना। तो यार बस मेरे को भी लोग बहुत कहते हैं कि भाई तू हर टाइम पे हेलमेट ही पहनता है बाइक चलाते टाइम। मैं तो वैसे भी सभी को यही बोलता हूँ कि भाई हेलमेट पहन लिया करो, तुम भी कुछ नहीं जाता। हाँ, मैं कभी कभार नहीं पहनता, जैसे कि मैं मार्केट साइड चला गया, उस साइड को मैं कभी कभार पहनता नहीं हूँ बिकॉज मार्केट मेरे घर के सामने ही है। एंड गाइस देखो बात यार, अगर मैं किसी को चंडीगढ़ में भी दिखा जो मेरा सब्सक्राइबर है या फिर कोई भी हो, तो यार भाई मिल लेना आगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई नो जिस तरह की मैं अभी बातें कर रहा हूँ उतना बड़ा भी चैनल है नहीं हमारा, बट कोई बात नहीं, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हो जाएगा इतना बड़ा चैनल भी। आज नहीं होगा कल तो होगा ना, कभी ना कभी तो होगा ना। और हाँ यार, जैसे कि मैं अभी कह रहा था कि मिल लेना यार, मिल के यार मेरे को भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। कमेंट पढ़ के मेरे को इतनी खुशी होती है कि हाँ भाई बंदे सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है यार जब आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ। एंड यार चंडीगढ़ में अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है ना, तो भाई करो यार, बिंदास करो, हर जगह ट्राई करना चाहिए। यूट्यूब पे भी कर लो, कि आप देखो कुछ नहीं चल जाओ। मेरे को जैसे कि राइडिंग में इंटरेस्ट है, तो मैंने राइडिंग के बेस पे अपना चैनल बनाया है। मैं मोटो ब्लॉग करता हूँ चंडीगढ़ में। मोटो ब्लॉग चंडीगढ़ में है तो सही, बट ज़्यादा नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि चंडीगढ़ में भी ना मोटो ब्लॉगर हो, जैसे आपने दिल्ली साइड में मतलब देखे होंगे बहुत ज़्यादा, मतलब मोटो ब्लॉगर ही बहुत हैं वहाँ पर। तो सब लगता है घर जाने का टाइम आ चुका है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, ब्लॉग का एंड करूँ क्या करूँ। चलो कोई बात नहीं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को फिर मैं यहीं पर ही ख़त्म कर देता हूँ। छोटा सा ब्लॉग था, ऐसे ही छोटे छोटे ब्लॉग आते रहेंगे, मतलब मैं कुछ ना कुछ वीडियोस में डालता रहूँगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलर ब्लॉगिंग करूँ, जैसे कि आज मैंने दिन में मतलब कहीं कि चला गया या कुछ ना कुछ जो भी है, तो मैं सोच रहा हूँ वैसे भी ब्लॉग करूँ, ट्राई करूँगा। अभी पक्का नहीं कह सकता क्योंकि अभी इतनी आदत नहीं है कि मतलब पूरे पब्लिक के सामने ऐसे कैमरा पकड़ के घूमूँ मैं, बट कोई बात नहीं, आदत हो जाएगी। वैसे हो चुकी आदत तो थोड़ी थोड़ी, अब पड़ रही है इस चीज़ की भी मेरे को आदत। अच्छा है जल्दी पड़ जाए ताकि मैं डेली व्लॉगिंग कर सकूँ और ज़्यादा। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। सो कीप लविंग, कीप फ्लोटिंग, दिस इज द एल प्रोवाइडर साइनिंग ऑफ। सो मिलते हैं गाइज, एंड यार अपना स्पोर्ट ऐसे बनाए रखना, उसके लिए थैंक यू सो मच। बस ऐसा ही स्पोर्ट चाहिए मेरे को और यही प्यार चाहिए यार। आते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जल्दी ही न्यू वीडियो भी लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए यार ये सारी वीडियो को आप शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।